नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होना है। वो देवास महाराज विक्रम सिंह पवार साहब देवा अपने मध्य प्रदेश की काला पीपल विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2008 में नई विधानसभा बनने के साथ दो बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विजयी उम्मीदवार रहे हैं, तीसरी बार वर्तमान में वहाँ से कांग्रेस के कुणाल चौधरी विधायक हैं। ऐसे में महाराज साहब का देवास से काले पीपल चुनाव लड़ने का कारण क्या है? महाराज साहब बताएं कि आपका देवास के साथ मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों के एक निजी ग्राफ है, ऐसे में काले पीपल क्यों चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो देवास को हम आपने भी इससे पहले बोला था कि मैं देवास छोड़ के काला पीपल जा रहा हूँ। मैं देवास को छोड़ नहीं रहा हूँ, देवास मेरे से कभी नहीं छूटेगा और देवास वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। देवास के साथ में मेरी मंशा है कि काला पीपल के लोगों की भी सेवा कर सकूँ, उन लोगों का भी विकास कर सकूँ और उन लोगों के साथ भी कंधे से कंधा मिला के काम करने की मेरी इच्छा है। और काला पीपल में भारतीय जनता पार्टी के अपने बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों से चर्चा करके वहाँ के वरिष्ठों से आशीर्वाद लेकर इस निर्णय पे हम लोग पहुँचे हैं। और अभी तो केवल विचार चल रहा है, बात चल रही है, जब तक टिकट फाइनल नहीं होता तब तक कोई चीज़ तय नहीं मानी जाती है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में दावेदारी करने का मुझे अधिकार है और वो दावेदारी मैं कर रहा हूँ। बाकी जो संगठन को तय जो सही लगता है और संगठन जो तय करती है उसका हम सब कार्यकर्ता पालन करेंगे। और निश्चित रूप से ये संकल्प जरूर लेना चाहूँगा मैं कि काला पीपल में मैं हूँ या कोई और उम्मीदवार आता है, काला पीपल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करना है। उसके लिए मेरे लायक जो भी लगेगा पार्टी को, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। हमारा साहब, वहाँ के 188 के करीब वहाँ पर गांव है, वो समय कम है, कैसे आप चीज़ें से निकलेंगे? चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ता, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं। अगर कार्यकर्ता मुझे स्वीकार करते हैं, वहाँ के लोग मुझे वहाँ के स्वीकार करते हैं, तो दो दिन भी काफ़ी है। ये था देवास महाराज साहब का एक बेबाक अंदाज। नमस्कार।